हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आपको दोस्तों इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जो पेनी स्टॉक है और आने वाले टाइम में हमको अच्छा रिटर्न दे सकता है दोस्तों। सो नज़र बना के रखिए और दोस्तों इतना ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा जितना कि आपका पैसा अगर फंस भी जाए, ब्लॉक हो जाए लंबे टाइम के लिए, लॉस हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम ना हो। मिनिमम अमाउंट लगाइए और मैक्सिमम टाइम के लिए, स्मॉल इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए। अगर ये कंपनी अच्छा ग्रो करी तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है आने वाले टाइम में। दोस्तों देखते हैं कंपनी का नाम है रतन इंडिया पावर लिमिटेड। दोस्तों पावर सेक्टर में एक आने वाले समय में बहुत ही अच्छा बूम आने वाला है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ आने वाली है। सो हमको पहले से इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा और पहले से हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बाद में जब ये कंपनियां सब जो ग्रो हो जाएंगी, ज़्यादा इसके प्राइस हो जाएंगे, फिर इन्वेस्टमेंट करके कोई इतना ज़्यादा हमको बेनिफिट नहीं मिल सकता है। दोस्तों स्टॉक का प्राइस है 7.03 रुपया। फिलहाल कंपनी 3% के गिरावट में है और कंपनी में मुझे यहाँ पे लो रिस्क लगता है क्योंकि कंपनी में 6.80 रुपये के आसपास का एक सपोर्ट है। तो दोस्तों उस सपोर्ट को आपको ध्यान में रख के चलना होगा। ऊपर में 8-8.5 के आसपास का रेजिस्टेंस है। अगर वो 8-8.5 रुपये के ऊपर स्ट्रांगली अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक करके अगर वहाँ पे सपोर्ट लेता है तो फिर आगे और भी 10-12 रुपये के ऊपर ये जा सकता है। दोस्तों कंपनी में काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स भी है, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। कंपनी का मार्केट कैप है 3,775 करोड़ का। स्टॉक की ROCE 10.6 की है और ROE माइनस में है 190। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, नेगेटिव पॉइंट्स भी। और इसीलिए बोलता हूँ कि आप लो इन्वेस्टमेंट करो। जैसे आप 500 लेते हो स्टॉक तो आपके लगभग 3,500 रुपये लगेंगे, बट उसको छोड़ दो लॉन्ग टर्म के लिए। आप कम से कम उसको 10 साल के लिए भूल जाओ कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट करा है और 10 साल के बाद देखिएगा अगर ये कंपनी ग्रो कर गई तो आपको बहुत ही अच्छा है, कि ऐसा रिटर्न देगा कि जो आप सोच नहीं सकते हो। फेस वैल्यू 10 की है और स्टॉक का हाई देख लीजिए दोस्तों, 10 रुपीज़ के आसपास का है। जब ये ब्रेकआउट होगा 10 के ऊपर का, मुझे लगता है यहाँ से बहुत ही जल्दी हमको देखने मिलेगा 10 के ऊपर के लेवल, और फिर वो रुकेगा नहीं जल्दी से। और इसके कुछ हम मेन जो पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वार्टरली रिज़ल्ट है दोस्तों। क्वार्टरली रिज़ल्ट में कंपनी के जो आंकड़े हैं मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे हैं, बट इसलिए मैंने बोला है आपको कि ये हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग है। आप नेगेटिव थिंक को भी बहुत ही अच्छी तरह से इसको नोट डाउन कर सकते हो। और यहाँ पर देख लीजिए आप, ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, जो पहले यहाँ पे 70 करोड़ का नेगेटिव रिटर्न दिया था, यहाँ पे 40 करोड़ का प्रॉफिट किया। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों डायरेक्ट 824 करोड़ का लॉस, फिर 460 करोड़ का लॉस, फिर 387। अब देख सकते हो यहाँ पे कंपनी ने जो 824 करोड़ का लॉस था उसको यहाँ पे कम करके 460 किया, उसको 387 किया। बट दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बहुत ही अच्छा काम करे, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर रही है। आपको आगे भी मैं दिखा देता हूँ ईयरली में। ये दोस्तों कंपनी का ईयरली प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट है, जिसमें आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट 165 करोड़ का किया था कंपनी ने, उसके बाद 940 करोड़ का लॉस कर दिया, उसके बाद 1632 करोड़ का लॉस कर दिया। तो यहाँ 2 साल से कंपनी का लॉस बढ़ रहा है। आगे हम उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी अच्छा करेगी और हमको बेनिफिट मिलेगा, बट आप हो सके उतना कम अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी के पास रिजर्व भी नेगेटिव में है 7,000 करोड़ से भी ऊपर, और बोरोइंग भी 12,000 करोड़ से भी ऊपर है। मतलब ये भी बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बट दोस्तों छोटी कंपनी है, नेगेटिव पॉइंट को ध्यान में रख के चलो। प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं दोस्तों। प्रमोटर होल्डिंग मार्च 20 से आप देख सकते हो 39.33 थी यहाँ पे कंटिन्यू, ठीक है, और मार्च
2021 में यहाँ से 44.19 हो गई, जो दिसंबर तक कंटिन्यू है। ठीक है, FII ने थोड़ा सा माल बेचा है यहाँ पे, और DII ने अपना होल्डिंग यहाँ से थोड़ी बढ़ाई है, और पब्लिक की होल्डिंग 41.51 है। पब्लिक भी काफ़ी अच्छा इसमें पार्टिसिपेट कर रही है कंपनी में। देखो दोस्तों, मुझे फंडामेंटल कुछ इतने अच्छे नहीं लगे, बट ओवरऑल बोल सकता हूँ कि पावर सेक्टर में जो तेज़ी आने वाली है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें बहुत ही छोटे से छोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आने वाले समय में आपको अच्छा अगर रिटर्न मिले तो ठीक है, अगर नहीं भी मिले तो इतना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करो जिससे आपको तकलीफ ना हो। समझ गए दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि आप छोटा अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। पिछले कुछ टाइम से दोस्तों पावर की कंजम्पशन भी काफ़ी बड़ी है, पहले जितना पावर कंजम्पशन होता था उससे अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आगे आने वाले टाइम में और भी पावर का कंजम्पशन बढ़ सकता है और कंपनी की ग्रोथ हो सकती है, जो सभी पावर कंपनियां हैं उसको बेनिफिट इसका मिल सकता है। ये पेनी स्टॉक है, उसको पेनी की तरह ही ट्रीट करिएगा दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।